हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक 5-पिन सॉकेट और एक स्विच का एक्सटेंशन बोर्ड बनाकर दिखाऊंगा, तो आप मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी आपको इसका कनेक्शन अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों, आज मैं आपको 2-वे स्विच को 1-वे स्विच के जगह पर कनेक्शन करके दिखाऊंगा। देखिए, 2-वे स्विच का 3 पिन होता है, जबकि 1-वे स्विच का 2 ही पिन होता है। मेरे पास 1-वे स्विच नहीं था, तो मैं 2-वे स्विच को काम में लिया हूँ। इसका नीचे वाला 2 पिन को ही कनेक्शन करना है, ऊपर में कनेक्शन नहीं करना है। तो चलिए इसका कनेक्शन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें स्विच के बीच वाले पिन में तार लगाना है। आप 1-वे स्विच लेंगे तो स्विच के ऊपर वाले पिन में तार को लगा सकते हैं, लेकिन मैंने 2-वे स्विच को 1-वे स्विच के जगह पर यूज में लिया है, तो मैं इसे बीच वाले पिन में लगा कर कस लेता हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको यह भी पता चल जाएगा कि कैसे हम 2-वे स्विच को 1-वे स्विच बना सकते हैं। अब देखिए, 5-पिन सॉकेट का 2 पिन है, तो ये फेज वाला पिन है दोस्तों, तो हमें स्विच के तार को यहाँ पर लगा देना है। स्विच से जो तार निकलता है उसे हमें 5-पिन सॉकेट के फेज वाले पिन में कनेक्शन करना होता है। सॉकेट के एक तरफ L और दूसरे तरफ N लिखा होता है, तो जिस तरफ L लिखा होता है वहाँ पर हमें इस तार का कनेक्शन कर देना है। अब देखिए दोस्तों, आगे हमको क्या करना है, तो अब हमें इसमें सप्लाई के तार का कनेक्शन करना है। तो मैं काला तार को 5-पिन सॉकेट के न्यूट्रल वाले पिन में लगा देता हूँ। यहाँ पर N लिखा होता है, तो यहाँ पर हमें इस तार को लगाकर कस लेना है। अब चलिए दोस्तों, फेज वाले तार का कनेक्शन हम स्विच के साथ कर लेते हैं। तो दोस्तों, हम इस 2-वे स्विच के नीचे वाले पिन में सप्लाई के तार को लगा देते हैं। इस तार को हमें स्विच के नीचे में लगाना है, ऊपर में नहीं लगाना है। अगर हम इसे ऊपर में लगा देंगे तो यह स्विच उल्टा काम करने लगेगा, तो हमें इस तार को स्विच के नीचे में ही लगाना है, ऊपर में नहीं लगाना है। ये देखिए दोस्तों, इस बोर्ड का कनेक्शन हो गया। अब मैं इसको इसके बॉक्स में बंद कर लेता हूँ। तो मैं इस होल से तार को बाहर की तरफ निकाल लेता हूँ। दोस्तों, आपको जितना लंबा तार चाहिए आप उतना लंबा तार यूज में लीजिए। मैं तो सिर्फ आपको ये करके दिखा रहा हूँ, इसलिए छोटा तार ही यूज में लिया हूँ। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से इसको इसके बॉक्स में बंद कर लेना है। तो चलिए, मैं इसमें चारों पेज को लगा कर कस लेता हूँ, फिर इस बोर्ड में सप्लाई देकर इसकी टेस्टिंग करके आपको दिखाता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए। अब चलिए दोस्तों, मैं इन 2 तार में सप्लाई दे देता हूँ, फिर इस बोर्ड की टेस्टिंग करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, सप्लाई मैंने दे दिया है। अब मैं 5-पिन सॉकेट में बल्ब को जलाकर आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यह 2-वे स्विच से भी ऑन ऑफ हो रहा है। तो दोस्तों, इस तरह से आप 2-वे स्विच को भी 1-वे स्विच के जगह पर कनेक्शन कर सकते हैं।